बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज के आसपास लेकिन आपको क्या चाहिए क्या आपको पता है मैं बताता हूं आपको क्या चाहिए आपको चाहिए एक ऐसा फ्रिज जो बहुत लंबे टाइम तक काम करे उसके अंदर कूलिंग बहुत अच्छी हो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सामान रखने की जगह उसी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज के रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा मिले ऐसा ही एक मॉडल मैंने अपने कंपैरिजन वीडियो के अंदर दिखाया था और उसे नंबर वन की पोजीशन दी थी मैं बात कर रहा हूं वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर की जो कि बहुत शानदार मॉडल है और मैं विनीत मल्होत्रा आज आपको इसका एक डिटेल्ड ट्रूव्यू दिखाने वाला हूं

आपको फ्रिज में कन्वर्ट करना है आपको पहले यह सोचना है कि आपको कन्वर्टेबल फीचर की जरूरत है भी या नहीं आपको यह डिसाइड करना है है कि सर्दी या गर्मी उसमें क्या एक भी दिन ऐसा है जहां आपको फ्रीजर की जरूरत नहीं होती मान लीजिए आपका जवाब है हां हमें तो सर्दियों में फ्रीजर की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती पर क्या आपको सर्दियों में इतनी ज्यादा फ्रिज की जरूरत होती है कि फ्रीजर स्पेस को भी आपको फ्रिज बनाना पड़े जवाब आप खुद दे सकते हैं इसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि कि आपको ये वाला मॉडल लेना है जो कि टू स्टार रेटिंग के साथ आता है या फिर थ्री स्टार वाला मॉडल लेना है जो लगभग तीन या चार हजार रुपए महंगा है सेम लुक सेम डिजाइन एक्सेप्ट फॉर टू डिफरेंसेस एक ये वाला डिस्प्ले और दूसरा आपको कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है उसके अंदर डिसाइड योरसेल्फ। दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि एडेप्टिव इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है हम अगर शॉर्ट फॉर्म करें एडेप्टिव इंटेलिजेंस की यानी ए तो वो बिल्कुल डिफरेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ए से इसलिए आई एम टेलिंग यू टेक दिस एडेप्टिव इंटेलिजेंस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इसके अलावा आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मिलेंगी सिक्स सेंस न्यूट्री लॉक टेक्नोलॉजी जियोलाइट टेक्नोलॉजी माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी एंड वॉट नॉट पता नहीं कितनी कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके मतलब ना शायद आपको पता है और मैं अगर आपको समझाने बैठूंगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर सामान रख के देखते हैं इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जब हम सामान रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी हमें एक्चुअल में नज़र आती है हमें समझ में आता है कि हम घर के अंदर जब दूध का पतीला रखते हैं उसके साथ चार सब्जियों के डोंगे रखते हैं और पानी की बहुत सारी बोतलें रखते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स रखते हैं और बाकी जरूरी सामान रखते हैं तो हमें यह फ्रिज की कैपेसिटी बहुत शानदार लगती है वट आई लाइक्ट अबाउट दिस रेफ्रिजरेटर द मोस्ट इस किस के अंदर एक डोर शेल्फ एक्स्ट्रा है जनरली आपको दूसरे ब्रांड्स इतना बड़ा वेजिटेबल क्रिस्पर देते हैं यानी वेजिटेबल बॉक्स इतना बड़ा देते हैं कि आपको उसके सामने की डोर शेल्फ मिलती ही नहीं है और ये चीज इस रेफ्रिजरेटर में नहीं है क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है ठंडे पानी की आपको सामान तो रखना ही है लेकिन आपको बार बार फ्रिज खोलना है ठंडे पानी के लिए और अगर आपके घर में पांच लोग हैं तो आपको कम से कम सात आठ बोतलें पानी रखनी ही पड़ेंगी और वो ये रेफ्रिजरेटर आराम से स्टॉक कर लेगा That is a good part. हमने इस रेफ्रिजरेटर को लगभग दो महीने लगातार यूज किया और इसे अपने ऑफिस में ही यूज करने पे हमें बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले मेरे ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं हाँ हम गूंदा हुआ या ऐसी चीजें नहीं रखते हैं जो घरों में यूज होती हैं लेकिन हम बाकी सारी चीजें रखते हैं जो एक ऑफिस में यूज होती हैं हमने वेजिटेबल्स भी रखी क्योंकि हम कई चीजें कुक करते हैं अपने ऑफिस में और वही चीजें रखने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि ये रेफ्रिजरेटर एक्चुअली में 20 लोगों के ऑफिस की टीम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है एंड अगर हम इसे रिलेट करें एक घर के यूसेज के हिसाब से तो ये पाँच से छः लोगों की कैपेसिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड दैट इज अ गुड पार्ट क्योंकि जनरली आप ट्वेंटी फाइव के रेफ्रिजरेटर जब खरीदते हैं तो वो चार या पांच लोगों की फैमिली के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलने पे किसे बुरा लगता है मुझे तो नहीं लगा ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल भी है और व्हर्लपूल के हिसाब से स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ भी आता है मैं व्हर्लपूल के क्लेम को डिनाई नहीं करता लेकिन मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आपको एक सस्ता और एक अच्छा स्टेबलाइजर इस रेफ्रिजरेटर के साथ जरूर लगाना चाहिए क्यों

और थोड़ा टॉल है इसके क्या फायदे और नुकसान है वो देखिए थोड़े टॉल रेफ्रिजरेटर होने की वजह से जो शेल्फ के बीच में स्पेस है उसमें आपको हाइट बहुत अच्छी मिलेगी ये एक बेनिफिट हो सकता है आपके लिए अगर आपके घर में यूज होने वाले बर्तन थोड़े से बड़े हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अपने यूसेज के अंदर डिस्कवर किया जो दूसरी चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो है इसके डोर शेल्फ की मैनेजमेंट यानी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैं समान रख शेल्फ में, जो कि बाकी में है और यही रीजन अच्छा रेफ्रिजरेटर लगा कि मैंने ऐसे नंबर वन की पोजिशन दी आपको बहुत सारे प्रोज ऑलरेडी बता चुका हूं प्राइस और इसके कॉन्स अब बताता वेलपुल आपको देते हैं इसम्प्रेसर टेन ईयर की वारंटी इन्वर्टर कॉम्प्रेसर जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ मिलता है आप अगर इसे इस समय खरीदना चाहते हैं तो ये 23 और 24000 रुपइस के बीच में वेरी करेगा इसके Amazon और Flipkart के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वो मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं प्लीज उन्हें यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा उससे इस चैनल की थोड़ी सी हेल्प होती है और हम ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद के आपको ऐसा कंपैरिजन वीडियो भी दिखाते हैं और ऐसा वीडियो भी दिखाते हैं ताकि आपके डिसीजन में हम हेल्प कर सकें अब आपको बताता हूं इसके एंड कॉन्स एक्चुअली टेलिंग यू फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू मुझे अभी तक कोई कॉन इस रेफ्रिजरेटर का समझ नहीं आया इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है इसके अंदर अच्छा कॉम्प्रेसर लगा है हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नॉन कन्वर्टेबल मॉडल है इसके अंदर बाहर कोई डिस्प्ले नहीं है ये डमी चीज दे रखी है पर यार मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं एक बार रेफ्रिजरेटर ले लेता हूं खरीदने से पहले मुझे बहुत सुंदर लगेगा अरे यार बाहर एक डिस्प्ले है लेट मी टेल यू मैं अपने घर के अंदर एक डिस्प्ले वाला एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा हूं पर उसके डिस्प्ले को हम कभी यूज करते हैं कभी भी नहीं क्योंकि एक बार टेम्परेचर सेट करने के बाद हम उसे कभी यूज उस नहीं करते हैं सो आई आई डोंट नो कि मैंने वो लास्ट टाइम डिस्प्ले को देखा भी कब था मेरा काम रेफ्रिजरेटर में से सामान निकालना है और उसके अंदर वापस रखना है यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रिज में रख पाता हूं यही चीज मुझे चाहिए। मुझे ब्रांड्स अच्छा आपके साथ एक और मार्केटिंग करते हैं वो होती है फ्रिज और फ्रीजर स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना करके यानी उनके रेशों को बहुत ही उल्टा सीधा कर देते हैं लेकिन ये रेफ्रिजरेटर प्रॉपर प्रोपोर्शन के आता है जितना एक रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रिज होना चाहिए और जितना फ्रीजर उतना ही आपको इसके अंदर मिलता है दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इसलिए मुझे यह हर तरीके से रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा लगा इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए उन्हें चेक करिए और आपको अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज बनाता हूं मैंने आपको कंपेरिजन ऑलरेडी दिखा दिया है इससे कम प्राइस पॉइंट के अंदर यानी फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज के अंदर भी अगर आपको एक रेफ्रिजरेटर लेना है मैं ऑलरेडी ये वाला वीडियो बना चुका हूं आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आपका अगर कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच